संजौली मस्जिद के बाद अब उत्तराखंड में एक और मस्जिद को लेकर बवाल मच गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक अवैध मस्जिद को हटवाने की मांग उठ रही है। उत्तरकाशी में एक मस्जिद हटाने को लेकर जनाक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अवैध मस्जिद को हटाने की मांग उठाई। हिंदू संगठनों की ओर से मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे हटाने की मांग उठाई गई है। उत्तरकाशी में भारी संख्या में लोगों ने रैली में नारे लगाए और मस्जिद को हटाने की मांग उठाई। इस वजह से उत्तरकाशी में बाजार बंद रहे। हिंदू संगठन के आह्वान पर उत्तरकाशी के अलावा डूंडा बाजार को भी बंद रखा गया। दरअसल उत्तरकाशी में पिछले कई दिनों से संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ उत्तरकाशी अवैध मस्जिद को हटाने को लेकर आंदोलन कर रहा है। इस संगठन ने आरटीआई के तहत जिला प्रशासन से मस्जिद को लेकर सूचना मांगी, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से आधी अधूरी सूचना दी गई। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ की ओर से इस मामले में 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में हिंदू महाजनाक्रोश रैली की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज ये संगठन सड़कों पर उतरे और अवैध मस्जिद को हटाने की मांग की। पचपन साल पुरानी बनी मस्जिद को लेकर आज जो विवाद है वो जन आक्रोश रैली का रूप ले चुका है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये आक्रोश है वो यहाँ पे हो रहा है। ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो धरना जन आक्रोश कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग आक्रोशित हैं कि मस्जिद हटाने को लेकर। यहाँ तक कि जो प्रशासन है उसने पहले ही बताया था कि जो मस्जिद बनी है वो रजिस्ट्री की भूमि पर बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, और ये लगातार जो विरोध है प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। और ये पुलिस की जो बैरिकेडिंग है, पुलिस अपनी तरफ से मुस्तैद है, पूरी बैरिकेडिंग मुस्तैद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने पूरा जो रास्ता है वो जाम कर दिया है। ये भटवाड़ी रोड है, गंगोत्री नेशनल हाईवे है, और यहाँ पे इसके 50 मीटर के बाद जो मस्जिद है वो बनी हुई है, लेकिन यहाँ 50 मीटर पहले ही जो लोग हैं, जो रैली है उसको पुलिस के द्वारा रोका गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो धक्का मुक्की है वो यहाँ पे हो रही है।